गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम EVS का लेसन नंबर 10 रीड करेंगे, फैमिली एंड रिलेशंस। फैमिली क्या होती है? परिवार। रिलेशंस क्या होते हैं? संबंध। परिवार और संबंध। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन ए हाउस इज कॉल्ड अ फैमिली। माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं, जिसे परिवार कहा जाता है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड वन आर टू चिल्ड्रन। एक छोटे परिवार में माता पिता और एक या दो बच्चे होते हैं। और स्मॉल फैमिली, जिसे स्मॉल फैमिली कहते हैं, एक छोटा परिवार कहते हैं। हेयर आर मोहित एंड रेनू, यहाँ मोहित और रेनू हैं। मोहित एंड रेनू लिव विद देयर पेरेंट्स। मोहित और रेनू अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ऑल ऑफ देम मेक अ फैमिली, ये सभी क्या करते हैं? परिवार बनाते हैं। मोहित एंड रेनूज फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। मोहित और रेनू की जो फैमिली है, जो परिवार है, वो छोटा परिवार है, स्मॉल फैमिली है। दिस इज अनुज, ये अनुज है। ही हैज टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स, उसके दो भाई और तीन बहनें हैं। ऑल ऑफ देम मेक अ फैमिली, ये सभी क्या करते हैं? एक परिवार बनाते हैं। अनुज फैमिली इज अ बिग फैमिली, अनुज की जो फैमिली है वो बिग फैमिली है, एक बड़ा परिवार है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? पेरेंट्स एंड थ्री आर मोर चिल्ड्रन मेक ए बिग फैमिली। माता पिता और तीन या तीन से अधिक बच्चे जो हैं, उनसे क्या बनता है? बिग, वो सब क्या होते हैं? बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार होता है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर नीचे पिक्चर दी गई है, आप इस पिक्चर को देखिए। दिस इज मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर गुप्ता है। ही हैज अ फैमिली, और उनकी फैमिली है। मिस्टर गुप्ता लिव विथ हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, श्री गुप्ता जी जो है वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहते हैं। मिस्टर गुप्ता's फैमिली इज अ ज्वाइंट फैमिली, मिस्टर गुप्ता की जो फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली है, एक संयुक्त परिवार है। लुक एट मिस्टर गुप्ता फैमिली ट्रीज, नीचे जो मिस्टर गुप्ता जी है, श्री गुप्ता जी है, उनका जो फैमिली ट्रीज बताया गया है। बच्चों आप इस पिक्चर्स को भी देख सकते हैं, ये फैमिली ट्री के बाद ये बनाया गया है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन्स लिविंग टुगेदर इन ए हाउस मेक अ ज्वाइंट फैमिली। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची एंड चचेरे, जो भाई कजन, ये सभी इन सबसे क्या बनता है? ज्वाइंट फैमिली बनती है। फैमिली मेंबर एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। फादर गोस आउट एंड अर्न मनी, पिताजी बाहर जाते हैं और पैसा कमाते हैं। मदर टेक केयर ऑफ होम, माँ अपने घर की देखभाल करती है। चिल्ड्रन मस्ट हेल्प देयर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क, बच्चे जो है वो अपने माता पिता के साथ उनके काम में उनकी हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन मस्ट क्लीन देयर हाउस डेली, बच्चों को अपने घर की डेली रोजाना सफाई करनी चाहिए। दे मस्ट नॉट स्कैटर थिंग्स अराउंड, उन्हें चीजों को इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए। इट गिव्स होम एंड अनटाइडी लुक, जिससे जो घर है वो गंदा हो जाता है। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन व्हेन यू डू नॉट नीड देम, जब हमें लाइट और फैन की जरूरत ना हो तो हमें जो स्विच है वो ऑफ कर देने चाहिए। डू नॉट लीव द टैप रनिंग आफ्टर यूज, उपयोग के बाद हमें टैप जो नल है उसको भी बंद कर देना चाहिए। You can help your parents in the many ways, बच्चों को अपने माता पिता के साथ उनके कामों में help करनी चाहिए। Some of this show below, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए कि बच्चे किस तरह अपने माता पिता की कार्य उनके कामों में उनकी help कर रहे हैं। Okay class, हमारा जो लेसन है यहाँ पर ही फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन